माझे पती लक्ष्मण रामजी आंबेडकर यांची आत्महत्या झालेली आहे. ते त्यांना समजा 5 वर्ष झालेले आहे. 6 एकर शेती ते आमच्या घरी. पीक काय पीक पाणी काही होई नाही समजा आमच्या घरी. त्याच्यामुळे त्यांनी काय माहीत काय घेतलं काय नाही. तर water remains a very essential ingredient in agriculture systems. Vidarbha, Yavatmal, Vashim, Buldana, these are areas where basically farming is rain dependent. Irrigation area hamare yahan kafi kam hai Vidarbha region mein, to isliye wo jo rainfield pe kheti hoti hai wo anishchitta ki kheti hoti hai. To agar usko pani milta hai to nishchit us wo apna पीक बचा सकते हैं और अपना खेती बचा सकते हैं. बिकॉज एग्रीकल्चर इज रेन डिपेंडेंट इट इज नॉट इट डजंट हैव प्रोटेक्टिव इरिगेशन इट रिमेंस एन ए रीजन वेयर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन इज वेरी लेस. इफ यू कंपेयर से कॉटन पर एकर कॉटन प्रोडक्टिविटी इन वेस्टर्न विदर्भा इन यवतमाल विद से दैट ऑफ पंजाब और एरियाज ऑफ गुजरात वेयर देर इज प्रोटेक्टिव इरिगेशन और इवन वेस्टर्न महाराष्ट्र वेयर देर इज प्रोटेक्टिव इरिगेशन द डिफरेंस बिटवीन per acre returns productivity would be massive. So water remains a key element. आमच्या घरी 5 एकर शेती होती. पहिले म्हणजे लयच आमचं हाल खराब होत. विंधण्यानं गवत कापून नेणं येत मारले तर क्विंटल कापूस पिके पहिले करोडभाऊ आणि 5-50 किलो तुरी होय. दोन पोते ज्वारी होय दोन क्विंटल. तर आता हे 3-4 वर्षापासून तर हे येते ना पाईपलाईन बसवले त्यावेळेपासून आमचं थोडंसं परिस्थिती फरक पडलं. कोणाच्या मजुरी नाही जात कोणाच्या काहीच नाही खर्चच करणं घरीच खाणे हे आमचं थोडंसं चांगलं झालं. हम जो फड सिस्टीम बनाते हैं वो डायवर्शन बेस इरिगेशन में आता है. उसमें हम जो स्ट्रीम है उसमें हम एक चेक डैम कंस्ट्रक्ट करके उस चेक डैम से फिर पाइपलाइन लेके जाते हैं. लगभग उसका 500 से 1 किलोमीटर का उसका लेंथ रहेगा और उस पाइपलाइन को हम कंटूर से लेके जाते हैं और बाद में उस खेतों में हम आउटलेट से उसको छोड़ते हैं. तो किसान फिर वो आउटलेट से फिर खेती करता है. तो ये पूरे सिस्टम को हम फड कहते हैं और इस सिस्टम के लगभग 10 से 12 फार्मर अपना खेती करते हैं. लगभग 40 से 50 एकड़ अपना उसमें उनका सिंचाई होता है. और ये फड बनाने के लिए हमको जो लगभग 15 से 25 हज़ार रुपये पर हेक्टर इसका कॉस्ट है. जो जो गवर्नमेंट के जो कन्वेंशनल इतर मेथड है उससे ये काफ़ी कम है. लगभग उसका 3 लाख से 2.5 लाख का उनका खर्चा है पर हेक्टर. लो कॉस्ट एक टेक्नोलॉजी है ये और इसमें ये पूरा इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है कि जो टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिसिटी या डीजल का जो डीजल का खर्चा नहीं होता है इसमें और वो खर्चा किसानों का बच जाता है. दिलासा की ओर से विदर्भ रीजन महाराष्ट्र में 175 फड इरिगेशन बनाए हैं और इस माध्यम से 6,000 एकड़ इरिगेशन हुआ है और 3,000 फार्मर को ये इरिगेशन के माध्यम से पानी मिला है. या पाण्यामुळे खूप मोठा फायदा झाला. म्हणजे जे भांडवल लागणारं होतं 1-1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये पाण्यासाठी ती पाळी आमची कमी झाली. फड में हम थोड़ा एक 2-3 बातें हम ख्याल करते हैं कि गन्ने की खेती हम उसमें नहीं करते क्योंकि गन्ना ज़्यादा जो पानी लेने वाले क्रॉप है जैसा गन्ना है मूंगफली है उसको बाकी जो क्रॉप है उससे बाकी क्रॉप से 3 गुना पानी ज़्यादा लगता है. तो हमारे फड़ में अभी तक किसी फार्मर ने अभी सुसाइड नहीं किया है. माझ्याकडे 3 एकर शेती आहे. तर हे 3 एकर शेती माझी कोरडवाली पहिले कोरडवाली शेती असल्यानंतर माझ्याकडे काहीच पीक होत नव्हतं त्यावेळेस माझ्यावर. तर आता ती पडसिंचन योजना आधीपासून आणि तेव्हापासून आमची म्हणजे प्रगती वाढत गेली. पहिले आम्हाला 4 एकर जेव्हा होतं 4 क्विंटल जेव्हा होतं आम्हाला कापूस होत नव्हता. आता काही मुलं तर आम्ही 20-25 क्विंटल कापूस पिकवतो त्याच्यामध्ये 10-15 क्विंटल गहू पिकवतो
आणि त्याच्यामध्ये आम्ही कांदा पण लावतो, कांदा आणि भेंडी मिरची काय असेल नसेल ते सगळं आम्ही त्याच्यात लावतो. त्याच्यापासून आम्हाला एवढा फायदा झाला. वॉटर इज इसेन्शियल बट नॉट दी ओनली यु नो सोल्युशन टू द जायगॅन्टिक अँड कॉम्प्लिकेटेड इकॉनॉमिक क्राइसिस, बिकॉज द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी रिमेन टाईड अप विथ द मार्केट्स. So the farmers are likely to move onto the crops that give them, that fetch them better returns. Now, to develop a system where you are able to conserve water and you are able to optimize the use of your farmland by diversifying into different crops, growing vegetables on a portion of land, growing traditional crops like cotton, soybean on a portion of land, and then going for pulses and cereals and oil seeds on other, and then optimizing the use of available water. So I think the future of this region and agriculture overall will have to factor in the amount of water that you are getting through rainfall, the amount of water that you have in your groundwater, and then seeing which is the best option available. And it will require gigantic efforts, community efforts particularly.